सभी को नमस्कार साहेबबंदगी। और ये देखिए हम कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं और आज आपको कुरुक्षेत्र का वो नज़ारा दिखाएंगे जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता बोली थी। ये हम कुरुक्षेत्र पहुँच गए हैं, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है और यहाँ से जो गीता जी बोली थी कृष्ण जी ने, ज्योतिसर नाम है उसका, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है और यहाँ से हम ज्योतिसर के लिए जा रहे हैं और सारा वीडियो आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए गीता जन्मस्थली यही है, इसमें लिखा हुआ है कि गीता की जन्मस्थली ज्योतिषर कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक पूजनीय स्थल है। ये वही स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का शाश्वत उपदेश दिया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने हिमालय जाते समय इस स्थान को खोजा था। लगभग 1850 ईस्वी में काशी कश्मीर के राजा ने इस तीर्थ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1924 में दरभंगा के राजा ने भगवती के साक्षी पवित्र वट वृक्ष के चारों ओर पत्थर का चबूतरा बनवाया था। ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है और यही वो वट वृक्ष है जो गीता जी का गवाह है, जिसके सामने यह गीता जी बोली गई। फर्स्ट को ध्यान लाइए, झपका नहीं मार दे। ये वट वृक्ष वही है जहाँ पे कृष्ण जी ने इसकी छाया में गीता जी का उपदेश सुनाया। हाँ, आइए दिखाते हैं आपको। हम गीता को आम चीज नहीं है, गीता भगवान के मुख से निकला हुआ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। गीता एक वैश्विक ग्रंथ है, यह मरने के बाद पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि भाई वो बच्चा पानी लेके नहीं आया, उसने सुना भी नहीं, वो अच्छा कैसे हुआ? वो अच्छा नहीं हुआ, ये सुना भी नहीं, मतलब वो पानी लेके लेके आया, उसके लेके आया वही तो बोल रहा ना मैंने, वही इनसे पूछो ये बोल रहा है मैंने। तो गीता क्या है? गीता मानो खुशी का बहता हुआ एक ऐसा बड़ा सागर जिसमें हजारों दुखों से दुखी जीव ठंडक पाते हैं। भारतीय ही नहीं विश्व के समस्त जन गीता के अमृत पान से स्वयं को धन्य मानते हैं। जिस प्रकार फूलों पर भंवरे मंडराते हैं, शहद को देखकर मधुमक्खियां आती हैं, ठीक उसी प्रकार गीता रूपी महान पुष्प पर हमें मस्त भंवरे की भांति मंडराना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। भगवान की मर्जी के आगे भगवान का दम भर के देखो, अर्जे मतलब कर चुके अब तर के मतलब करके देखो। बा इरादा मरने वालों बिन इरादा मर के देखो, मौत भी बन जाएगी आपके लिए एक जिंदगी, जिंदगी पर मरने वालों जिंदगी में मर के देखो। यहाँ तुम्हारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो समझ लो सारी है कायनात आपकी, सबको अपना करने वालों उसको अपना करके देखो। ऐसी तस्वीर जन्नत की हमारा वतन, जहाँ पूजा करें देव होकर मगन, जिसके चरणों में सागर की पायल बजे लोरी देकर सुलाता है जिसको सावन। जहाँ राम और लखन के धनुष वाण है, जहाँ शंकर जी भी दयावान है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गाया गीता का गान है, ऐसी तस्वीर जन्नत की मेरा वतन। अभी अभी सीखा है तैरना, गहरे पानी जाना है, लेकर के अनमोल रतन बाहर वापिस आना है। गुर सीखे तैराकी की आज हुई निशंक सभी, गहराई तक हमी है जाना, कौन करे पूरी इच्छा। सर्वश्रेष्ठ यानी भगवान श्री कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ तैराक संग है, बस पानी में जाना है। अभी अभी सीखा है तैरना, गहरे पानी जाना है। वसुदेव सुतं देवम कंस चारणो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गीता जी का उपदेश यही बोला था किसी ने, यहाँ उस साइड में पेड़ पौधा है ना जो उसके सेंटर पॉइंट में ही बोलना है गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। तो वो जो चरण चरण में पादुका रखी हुई शीशे में, वो भगवान श्री कृष्ण की है। अच्छा, वहीं पे बोली थी गीता? हाँ जी, वहीं पे बोली थी। वहाँ पर ना जो लाल एक वो है स्तंभ सा है छोटा सा, वो है 5200 वर्ष पुराना, और एक ये पेड़ है 5200 वर्ष पुराना। बाकी तो भाई ना मतलब प्रगति होंगी रहा ना, कुछ ना कुछ नया होंगे रहा, जैसे वो कुछ नहीं था पहले, ये बढ़ने लग गया। और भी मेन वो स्तंभ है। हाँ जी, वृक्ष है, वृक्ष है।
आपको ना मतलब ना अगर उस स्तंभ को छुओगे भी ना झूठी बात नहीं है अपना नहीं लगा कि जो ना मतलब मैंने शांति सी मिली है। अच्छा हाँ ये तो सब ये बाद में बनाया गया। बाद में बनेगा भाई। बहुत बढ़िया बताया आपने जानकारी। इस वाले की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी। ये जो सामने स्तंभ है हाँ जो ये स्तंभ है ना ये अलग से ये अलग से है पुराना सा। हाँ ये है उस टाइम का 5200 वर्ष पुराना तो ये है। और ये पेड़ भी जब से ये पेड़ भी पेड़ को देखो ना आप इसकी जो जड़े दाढ़ी होती है ना दाढ़ी वो जड़े बन गई है जड़े। अच्छा अच्छा तब जब ये नीचे गिर के जड़े हो गई ऊपर वाला मोटा है ये नष्ट होगा ना तो ना यहाँ से ये इसे मतलब ऐसे ही सुचारू रूप से बनाए रखेंगी। अच्छा ये अक्षयवट है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। और ये है गांव का नाम और इस मंदिर का नाम ज्योतिसर है। ज्योतिसर का अर्थ है ज्ञान का सरोवर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। गीता में 700 श्लोक हैं सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु स्वामाम का पांडवा सेवा किम कुर्वा संजय कुछ अर्जुन ने बोले हैं कुछ संजय ने बोले हैं बाकी सभी श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले हैं। गीता पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। तो ये जब से ये वृक्ष वगैरह और क्या है यहाँ खास? खास मतलब यहाँ तो खास तो मेन तो यही ही है। और एक आप जहाँ से एंट्री की थी ना वहाँ पर ना लिखा हुआ है बाहरी आक्रमणों का साक्षी जब महमूद गोरी ने महमूद गजनवी जी ने आक्रमण किए ना वो मंदिर है शिव मंदिर बहुत पुराना है वो भी। अच्छा वहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। हाँ जी पर उसका मंदिर का कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा बहुत पुराना है वो भी। कहाँ से आए भाई जी आप? जयपुर से आए हैं। और ये जो सर ये पानी है जो कहाँ से आ रहा है? ये पानी तो नहर से आ रहा है। अब तो पुराने समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था मैं 40 साल का हो गया भाई जी तो ना सुरस्ती में से पानी आया करता था। लोगों ने जगह रोक ली सुरस्ती का पानी बंद हो गया गांव बस गया इस साइड में तो अब यहाँ से आता है पीछे से पानी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र की कम सेंट्रल पॉइंट ये है इसको बोलते हैं 48 कोस का एरिया ये ज्योतिसर है। अच्छा, यहाँ सेंटर यही था। यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा था। उन्होंने उपदेश दिया जब वो बोला मेरे ताया मामा चाचा इनको मैं नहीं मार सकता ये मेरे भाई हैं तो भगवान ने कहा भाई ये तो तुझे मारने ही पड़ेंगे अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये फिर भी जाएंगे अगर तू नहीं जीत पाया मर गया तो वीर गति को प्राप्त होगा अगर नहीं मरा और जीत गया तो तू राज्य को भोगेगा इसलिए तू इनको मार। उसने फिर यहाँ मारे धनुष बाण उठाया। हाँ आगे आगे गांव है एक इससे आगे उनकी सरसैया है नरकातारी गांव है। अच्छा यहाँ से आप जाओगे ना इस हाथ में नरकातारी गांव मिलेगा। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे उनको वाणों की सैया पे हैं वो। उससे आगे जाओगे ना 51 शक्तिपीठों में से एक है भद्रकाली मंदिर। अच्छा पुराने बस स्टैंड के पास ही है भद्रकाली मंदिर। जब सती के मतलब 12 टुकड़े हो गए थे ना यक्ष ने उन्हें शिव शंकर जी को नहीं बुलाया था यज्ञ में। अच्छा 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 तो उसका ढकना गिरा हुआ है उस ढकने की बहुत मानता है वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है नवरात्रों में तो विशेषकर अब भी वहाँ इतनी चहल पहल तो है जितनी यहाँ पे है। और ये जो कपड़े में ढका हुआ है ये जो कपड़े में ढका हुआ है ये विराट रूप दर्शन है अभी इसका ना वो नहीं किया गया उद्घाटन। तो विराट रूप दर्शन यही तैयार है? हाँ वैसे कंप्लीट है अभी उद्घाटन बस इस मंथ के लास्ट तक शायद हो जाएगा। मैं तो विराट रूप के दर्शन कहाँ करवाए थे अर्जुन को किशन जी ने? यहीं पे हुए हैं। अच्छा यहीं पे हुए थे। हाँ जी ये तो नया बनाया गया है देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा ये तो नया बनाया गया है। हाँ पहले नहीं था नहीं अभी ये तो बस ना 3 साल ये तो बिल्कुल बात किए हैं अभी। हाँ जी झूठ क्या बोलना जी परमात्मा के धरती पे खड़े हैं। तो मंदिर की स्थापना शिव मंदिर की कैसे हुई? शिव मंदिर की प्राचीन काल से है मतलब ये सुनने में तो आया था ये मतलब युद्ध शुरू होने से पहले इन्होंने यहाँ पर मंदिर यज्ञ किया था। इन्होंने स्थापना करके ना शिव की शिव पूजा करके और शक्ति की और शिव की दोनों की पूजा की थी उन्होंने तब पार्वती शिव जी को नहीं बुलाया था। नहीं नहीं ये तो यक्ष की बात है वो तो भद्रकाली मंदिर की बात है। फेर चुरा एक ना ऐसे मत रखो आप मोबाइल मोबाइल को तो ये मिनट नहीं लाने देंगे उठा कर ले जाए एकदम थोड़ा सा अपना कस के पकड़ो भाई। यही है वो स्तंभ? हाँ हाँ
कितने साल पुराना है ये? 5200। और ये वृक्ष तो 5200 से भी पुराना होगा, क्योंकि इसी के नीचे तो किशन जी ने गीता बोली थी। हाँ जी, हाँ जी। और ये चरण? ये चरण भी पुराने हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को कितने पुराने हैं। और ये पेड़ों की लटा ऊपर से निकल के जड़ बन गई वापस। ये देखो, पहले तो ना कुछ टाइम पहले तो ये थोड़ी पतली थी, अब ना समय के साथ साथ ये मोटी होती जा रही है। अच्छा, अगर वहाँ से वृक्ष नष्ट होगा ना, यहाँ से ये गिरने ही नहीं देंगी वृक्ष को। अच्छा, ये खुद ही मोटी हो जाएंगे और मतलब सपोर्ट लगा देंगी। दाढ़ी की जड़ें बन गई हैं। देखो, आपने बहुत से अनोखे वृक्ष देखे हैं, इससे बड़ा होगा पर ऐसा कोई वृक्ष देखा है जिसकी दाढ़ी की जड़ें बन गई? तो ये 5000 से भी ज्यादा साल का हो गया फिर तो। हाँ जी, क्योंकि 5200 वर्ष पे हुए हैं ना, 5200। हाँ, तो उससे भी पुराना है फिर ये तो। हाँ, उससे भी पुराना है। सही है। इसका कोई पत्ता तो तोड़ने नहीं देते, पत्ता वगैरह तो तोड़ नहीं सकते इसका। अच्छा, जो नीचे पत्ता रखा है ना, जैसे ये है। हाँ हाँ, ये है। कई लोग अपनी भावना हो जिनकी, वो अपने पूजा रूम में रख लेते हैं कि वहाँ की निशानी है। अच्छा अच्छा, तो मैं भी ले जाऊँ? हाँ, एक ही लेना, पर दे देंगे किसी को। वैसे वैसे ये खाली एक आस्था का प्रतीक है, बाकी इससे मुक्ति तो है नहीं। नहीं, मुक्ति तो नहीं, फिर भी मतलब हम वहाँ गए हैं। मुक्ति तो तब होगी जब कृष्ण जी ने जो उपदेश बोला उस पे चलोगे। हाँ जी, चलोगे भी और उसको मतलब ना धारण करोगे, तभी मुक्ति होगी। इस पत्ते से कुछ नहीं। हाँ, वैसे रख लो, अगर आपको यही रखना है यही रखो, तो आपकी इच्छा है ना। वो तो ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छी मेरे को जानकारी दी। वही बात, ठीक है। और दोबारा कभी आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं है। मतलब एम ए इकोनॉमिक्स और एम ए हिंदी किया है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं टीचिंग करता हूँ प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, और यहाँ पर मैं गाइड का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया था। ठीक है जी महाराज, ठीक है। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? देखिए, आपको पूरा वो स्थान दिखाया जहाँ गीता जी बोली गई थी, और भाग्य जो हम यहाँ पहुँचे और आपको भी यहाँ के दर्शन कराए, जहाँ गीता जी के 18 श्लोक यहाँ बोले गए, 18 अध्याय बोले गए। 18 श्लोक नहीं, 18 अध्याय और 700 श्लोक ऐसे बताते हैं। ये आप देख रहे हैं बाहरी आक्रमणों के साक्षी, ये मंदिर है। अभी बताया था महाराज ने कि जो मुगल राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ इसका आक्रमण का कोई असर नहीं हुआ, ऐसा बताते हैं। और आपको पूरी वीडियो दिखाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।